Gandhiji is the prominent person to lead the country. लोकल कन्वेंस की समस्या, राजस्थान में लोकल कन्वेंस ही नहीं है, गवर्नमेंट तो अपना आती है चले जाती है, एक बार आती है। जो भी सरकार आए वो जनप्रिय सरकार हो, यानी कि सभी लोगों की उम्मीदों के अनुसार बने। अगर मैं किसी को वोट दे रहा हूँ और कोई मेरे से वोट लेके जा रहा है तो उसको परफॉर्म करना चाहिए एटलीस्ट। राजस्थान विधानसभा चुनाव में हम लगातार जनता की राय ले रहे हैं कि आखिरकार आम लोग चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, और इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं जयपुर के गुलाब टी स्टॉल पर, जो कि मसाला चौक पर स्थित है। और ये चाय की दुकान ऐसी है जो कि जयपुर कोई भी अगर आता है तो इस चाय की दुकान पर ज़रूर आता है। खासियत यह है तंदूर चाय, देखिए किस तरह जैसे तंदूर उबलता है कुछ उसी तरह से चाय आप यहाँ पर उबलते हुए देखेंगे, और ये यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है इस चाय की, और लोग दूर दूर से यहाँ की चाय पीने आते हैं और इसी चाय पर चुनावी चर्चा भी करते हैं। किस तरह से तैयार होती है आप देखिए, पहले एक कुल्हड़ को डाला जाता है, उसमें चाय उबलती है, तंदूर चाय बनकर अब ये तैयार है। इसी चाय के साथ हम आगे कुछ और लोगों से यहाँ पर बातचीत करेंगे और लोगों से सीधे चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या होने जा रहा है राजस्थान में, किसकी चाय इस बार ज़्यादा रंग लाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय पर चर्चा की शुरुआत सबसे पहले की थी और उसके बाद चाय का जो मुद्दा था वो बहुत ज़्यादा गर्माता गया। और हाल के विधानसभा चुनाव में भी पीएम मोदी ने कहा है कि चाय वाला पीएम कैसे बन गया ये कुछ लोगों को नहीं पच पा रहा है, तो आखिरकार क्या पूरा मामला है, हम यहाँ के कुछ आम स्थानीय लोगों से पूछते हैं। आइए सर, तो ये है चाय की दुकान गुलाबो टी स्टॉल, क्या नाम है आपका? रामदास जौहर। रामदास जौहर जी, जी क्या लगता है आपको क्या होने जा रहा है इलेक्शन में? जी यहाँ राजस्थान में जैसे 5 साल में कोई भी गवर्नमेंट बदलती रहती है, लेकिन एक्चुअल में जो कोई इसके अंदर जो बदमाशी करते हैं जो भी है, तो किसी के लिए कोई अच्छा प्रोग्राम कोई लेके आते हैं तो देखो 40 आदमी के लिए अच्छा भी होता है, 40 आदमी के लिए ख़राब भी होता है। तो नई नई बातें तो स्कैंडल तो याद रह जाती है, पुराने स्कैंडल्स याद नहीं रह पाते। तो जिस हिसाब से देखते हैं तो बात कांग्रेस की चल रही है, देन गॉड इज़ ग्रेट। आपको क्या लगता है क्या चुनावी मुद्दे हैं राजस्थान के? राजस्थान में इन्होंने कोई डेवलपमेंट तो किया नहीं। किसने? जो अभी जो वर्तमान सरकार है जिसने कोई डेवलपमेंट तो किया नहीं। हाँ। और खाली वोट मांगने के टाइम पे भगवान राम का नाम लेके आ जाते हैं, ये दुकान बंद करते नहीं है, इस दुकान को हमेशा चालू रखते हैं। 4.5 साल होने के बाद में इनको भगवान राम याद आ जाता है और वोट मांगने आ जाते हैं। आएगी कांग्रेस ही और कांग्रेस ही आना चाहिए। मोदी ज़्यादा अच्छा चेहरा है कि राहुल गांधी? मोदी, राहुल गांधी वो बचपना उनके मोदी जी इज द प्रोमिनेंट पर्सन टू लीड द कंट्री। उनके अलावा अभी दूसरा और कोई नेता, कोई नेता का चेहरा कौन होना चाहिए? राजस्थान का चेहरा तो वैसे अशोक गहलोत जी रहते आए हैं, और वैसे सचिन पायलट भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आई होप इन राजस्थान सचिन पायलट में कम इज यंग लीडर, he can do some miracles. क्या समस्याएं क्या है यहाँ की, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल से प्रॉब्लम आई है, आगे आई है। जनरली रोड पानी की समस्या, बिजली की समस्या यही है सबसे ज़्यादा, लोकल कन्वेंस की समस्या, राजस्थान में लोकल कन्वेंस ही नहीं है, गवर्नमेंट तो अपना आती है चले जाती है, एक बार आती है जाती है, कन्वेंस कुछ नहीं है, लोकल कन्वेंस की सुविधा नहीं है। इस बार जब आप वोट करने जाएंगे तो राजनीतिक दल आपके घर पर जब वोट मांगने आएंगे तो उनसे आप क्या सबसे बड़ी चीज़ की मांग करेंगे, क्या होना चाहिए आपके राजस्थान में, आपके शहर में? राजस्थान में रोड पानी की सुविधा और कनेक्टिविटी, लोकल कनेक्टिविटी नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन वहाँ जाने की सुविधा नहीं है, मजदूर मिलता नहीं है, सुविधा है नहीं, क्या डेवलपमेंट करेंगे? इंडस्ट्रियाँ बन रही है, बहुत बन रही है, लेकिन वहाँ जाने के लिए कोई कनेक्टिविटी नहीं है, आदमी 5 बजे भग जाता है, इंडस्ट्रियाँ डेवलप नहीं हो पाती। तो देखिए राजस्थान के नेताओं को ये सुन लेना चाहिए कि आम लोग क्या कह रहे हैं, बिजली सड़क पानी इनका सबसे बड़ा मुद्दा है और इस पर बहुत ही कम ध्यान जा पाता है और मुद्दे राजनीति में हावी हो जाते हैं, विशेष तौर पर जब चुनाव आते हैं, और यही यहाँ पर आम लोगों की राय है जो कि अपनी बात रख रहे हैं। गुलाबो टी स्टॉल पर लोग चर्चा कर रहे हैं राजस्थान को लेकर, उनसे पूछते हैं आखिरकार मन में क्या चल रहा है आप लोगों के, इस वक्त सबकी निगाहें मतदाताओं पर है, 5 साल तो भूल जाते हैं पर यही मेरे ख्याल से 1 महीना सबसे ज़्यादा आप लोगों की चर्चा होती है, तो आप लोग चाय पर क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या माहौल है राजस्थान का?
पाँच साल बैठकर सरकार को कोसते रहे, सरकार ने ये नहीं किया वो नहीं किया, उससे अच्छा है कि ये समय है जो हम सरकार के बारे में देखें कि वास्तव में जो मेरा MLA है उसने मेरे इलाके में काम किया, कितना किया और कितना नहीं किया, और जिसको और पार्टीज टिकट दे रही हैं क्या उनके बारे में मीडिया बहुत निष्पक्षता से बता रहा है नहीं बता रहा है। मुझे लगता है आज मैं 50 वर्ष हो चुका हूँ, मैंने कई इलेक्शन में भाग लिया, मेरे पिता ने भी लिया, कि इलेक्शन ख़त्म हो गए सरकार बन गई तब तो बहुत लोग बोलते हैं, पर जब समय है, एक तो वोट देने का समय, जो मैं सभी से आग्रह करूँगा कि वोट देने ज़रूर जाएँ, इरेस्पेक्टिव किसको देते हैं। विधानसभा कौन सी है? मेरी विधानसभा लगेगी सांगानेर। सांगानेर, सांगानेर में कुछ काम हुआ पिछले 5 साल में? हाँ, ये बड़ा मज़ेदार है, कुछ काम हुए और कुछ काम नहीं हुए। तो सच्चाई ये है कि जो विकास है वो सतत है, तो जैसे मेट्रो का काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, अब वो क्यों नहीं हुआ मैं नहीं जानता, पर उसकी बहुत आवश्यकता थी। सफाई के मामले में हमारा क्षेत्र पिछड़ गया और जयपुर पिछड़ गया पूरा, सफाई बहुत अच्छी नहीं हुई, बाकी जैसे कुछ कार्य बहुत अच्छे हुए, सड़क का चौड़ीकरण हुआ, जहाँ पर कार्य मुझे और दिखने चाहिए वो कई जगह मुझे कार्य नहीं दिखाई दिए, और जहाँ पर कार्य हुए हैं वो लोगों को दिखते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि जो मीडिया है और जनता है वो इस समय उसका अवलोकन करे और उस आधार पे फिर वोट दिया जाए। आपका चाय का जो कुल्हड़ है आधा खाली है आधा भरा है, तो किस क्या लगता है कि आप लोग किस तरफ जाने वाले हैं, किसकी सरकार आने वाली है? मुझे लगता है जो भी सरकार आए वो जनप्रिय सरकार हो, यानी कि सभी लोगों की उम्मीदों के अनुसार बने, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी मेरे जो नव निर्वाचित या जो भी हमारे सभासद या माननीय हमारे विधायक होंगे कि वो जनता की उम्मीदों पे और काम करें। देखिए, जनता की उम्मीदों पर और काम करें। आपका क्या नाम है मैडम? उपमा। उपमा, महिलाएं क्या सोच रही राजस्थान के विधानसभा चुनाव में? देखिए, जो भी व्यक्ति विकास करेगा उसे ही जीतना चाहिए, क्योंकि विकास ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर विकास ही नहीं हो रहा तो फिर तो क्या क्या करेगा आम आदमी। हम कितनी सारी चीज़ों को झेलते हैं, जैसे मेरा जो हमारा जो क्षेत्र है वहाँ पर अगर आज की बात करूँ, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है कि निकलना मुश्किल हो जाता है हमें। सड़कों पे आप निकलें, जहाँ आपको 10 मिनट में पहुँचना है आपको 1-1 घंटा लग रहा है वहाँ पहुँचने के लिए। बहुत समस्याएँ हैं, सड़कें इतनी छोटी हैं कि उनको चौड़ी करना बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, पर वो नहीं हो पा रही हैं। सालों निकल गए, ये पूरा 5 साल तो ऐसे ही निकल गया, हम देखते रहे, सोचते रहे ये होगा होगा, पर नहीं हुआ। तो जो भी हम आम आदमी हैं, आम जन यही सोच रहे हैं कि विकास होना चाहिए। दूसरी बात, गंदगी की बात करते हैं, गंदगी पे वर्क हुआ, हम ये नहीं कहें कि नहीं हुआ, पर अभी उस स्तर पर नहीं हुआ जिस स्तर पर होना चाहिए था। अच्छा, आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में अच्छा कौन है? देखिए, ये फिर ये वाली तुलना तो फिर बहुत ही मुश्किल है करनी कि कौन अच्छा है कौन नहीं अच्छा। हमारे हिसाब से अच्छा वो है जो कर्म करेगा। देखिए, ये तुलना, मतदाता भी बहुत जागरूक हो गए, सीधे जवाब नहीं देंगे कि कौन अच्छा है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी। राजनेताओं से ज़्यादा राजनीति आज की तारीख में मतदाता सीख गए, उन्हें समझना होगा कि अब विकास के मुद्दे पर ये लोग चुनाव जीत सकते हैं। युवा भी यहाँ पर हम उनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? अहवज अली। आपके हिसाब से क्या है प्रमुख चुनावी मुद्दा राजस्थान? चुनावी मुद्दा यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए दोनों पार्टी जो मेन हैं अपनी, कांग्रेस और भाजपा, दोनों को ही इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। और सेकंड थिंग आई, मैं कहना चाहूँगा जैसे सरकारी कॉलेजेस की काफ़ी कमी है इधर, तो एजुकेशन सिस्टम जो है वो जो होना चाहिए आज के अकॉर्डिंग वो नहीं है। हम मेरे हिसाब से यही मुद्दे हैं, और राजनीति खुद एक ऐसा मुद्दा है, अपने आप में बड़ा मुद्दा है, और उस लेवल की राजनीति चलने लगी है कि अपन कुछ बात ही ना करें तो बेहतर होगा इस बार। क्या होने वाला राजस्थान में इस बार? देखो सर, राजनीति है, और इस लेवल की राजनीति की अभी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी दोनों की लिस्टें भी अनाउंस नहीं हुई हैं कम्प्लीटली, तो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करेगा सब कुछ जो भी है। विकास मुद्दा रहेगा या जात? रहना चाहिए विकास, लेकिन अभी तक देखा गया है जात, तो फ्यूचर में बता नहीं सकता, लेकिन देखते हैं क्या होता है। विकास रहना चाहिए पर अभी तक जात चुनावी मुद्दा। कुछ और लोग हैं, हम उनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? अक्षय। अक्षय, आप युवा हैं, मतदाता भी हैं जयपुर में, क्या लगता है आपके हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडे में क्या होना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो अकाउंटेबिलिटी। अगर मैं किसी को वोट दे रहा हूँ और कोई मेरे से वोट लेके जा रहा है,
तो उसको परफॉर्म करना चाहिए एटलीस्ट। ऐसा ना हो कि बस एक बार, जैसा कि आपने कहा कि बस वो एक महीने ही पूछ होती है बंदे की, नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इससे बहुत सी चीज़ें अलग से तरीके से जुड़ी हुई भी हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो अकाउंटेबिलिटी, मेरा चुनाव बंदा अकाउंटेबल ज़रूर रहे और उस चीज़ को समझे। कैसे अकाउंटेबल होना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि अगर किसी ने मुझे कहा कि हाँ हम आपके लिए रोज़गार का मौका देंगे, सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ाएंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ और आगे देंगे, ये चीज़ें अगर डिलीवर की जा रही हैं, दैट मीन्स द पर्सन फेल्ट हिमसेल्फ अकाउंटेबल, उसने अपने आप को समझा कि मेरी जिम्मेदारी और मैं डिलीवर करूँ। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि हाँ मैं कह दूँ अभी तो जीत जाऊँ, बाद में मैं पावरफुल होके बहुत सी अलग अलग चीज़ें करते रहूँ, वो चीज़ गलत साबित हो जाती है। राजस्थान में क्या हो रहा है? राजस्थान में बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं आ पा रही है, कोई भी बंदा अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ पा रहा है। जिम्मेदारी जैसे ही समझने लग जाएंगे मुझे लगता है कि बदलाव आ सकता है। देखिए, कोई जिम्मेदारी को नहीं समझ रहा है राजस्थान में, और जिस दिन जिम्मेदारी को समझ लेंगे बदलाव आ सकता है। तो कुछ इस तरह का यहाँ पर लोगों का रुख है राजस्थान के चुनाव को लेकर, विकास को पहली प्राथमिकता बता रहे हैं, लेकिन जातिवाद इतना ज़्यादा हावी है कि उसके पीछे सब कुछ छूट जाता है। अब देखिए, ये थे यहाँ के हर तबके के वोटरों की राय जो कि राजस्थान चुनाव को लेकर दे रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि विकास ही राजस्थान इलेक्शन का एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, जयपुर।